सेंटर ड्यूज फुटबॉल एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित 12 वर्षीय फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन एवं अंडर 12 में गोवा में आयोजित लीग फुटबॉल मैच के सेमीफाइनल में पहुंचे खिलाड़ियों को सोमवार को सेंटर ड्यूज डिग्री कॉलेज के कैंपस में सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जे के लाल ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स बैग देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल ने बताया कि अंडर 12 के खिलाड़ी गोवा में आयोजित फुटबॉल लीग मैच के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, जिनको आज महाविद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल ने कहा, और प्रबंधक के रूप में कोई ऐसी नहीं है कि कमा बढ़ाना है, बस ये मकसद ही हमारे संरक्षक बच्चों के बीच आर्यन अलिया भैया उत्साह वर्धन के लिए आर्यन सौरभ आयुष वैभव सूरज दीपक नितेश साहिल और श्रेय आर्यन आदित्य प्रकीत एनी मोर लेफ्ट पूरी बच्ची आज का कार्यक्रम खास तौर से जो अंडर 12 के बच्चे सेंट एंड्रयूज फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से गोवा गए थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए अरेंज किया गया था और इन सबको पारितोषिक और सर्टिफिकेट दे करके यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। हमारे अंडर 12 के बच्चे वहाँ जा कर के सेमीफाइनल तक पहुँचे थे और वो लौट के आए हैं, तो उनको ताकि और जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो और यहाँ सीख रहे हैं, उन वो भी देख करके प्रोत्साहित हो सके कि एक वक्त आएगा वो भी प्रोत्साहित होंगे, इसी तरह से उनको भी इसी तरह से अवार्डेड किया जाएगा। तो इस लिहाज से आज का ये कार्यक्रम था और इसमें लगभग हमारे 18 बच्चे हैं जिनको सम्मानित किया गया। आने वाले दिनों में हम लोग फिर इसी तरह से और भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए।